दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कृष्ण कमल के प्लांट से आप ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं। तो यह आप लोग देख पा रहे हैं कि कृष्ण कमल का फ्लावर जो है मेरे गार्डन में रोज ही खिल रहे हैं, एक एक फ्लावर रोज ही खिल रहा है और बहुत सारी कलियाँ जो हैं बनी हुई हैं। तो आप इस प्लांट के केयर के बारे में मेरी ऑलरेडी जो वीडियो है उसमें देख सकते हैं, मैं पहले ही बना चुकी हूँ इसकी वीडियो। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस प्लांट पर आप ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे पा सकते हैं, और अगर आपके बालकनी गार्डन में या किसी भी एरिया में कम धूप आती है और आप वहाँ पर प्लांट लगाना चाहते हैं तो यह कृष्ण कमल का प्लांट जो है ज़रूर लगाइए। यह एक बेल वाला प्लांट होता है, तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कर लीजिए। बहुत ही सुंदर फ्लावर्स देने वाला यह प्लांट है, आप देख ही पा रहे होंगे कितना सुंदर फ्लावर जो है इसमें खिला हुआ है और रोज ही एक दो फ्लावर जो है खिल रहे हैं। आजकल इसमें मानसून के बाद बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इसमें मैं कौन सा फर्टिलाइज़र जो है यूज़ कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाकर कमेंट करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यह फ्लावर मैं पुराना नहीं आपको दिखा रही हूँ, मैं गार्डन में रोज ही एक दो फ्लावर जो है खिल रहे हैं रोज, तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी और भी कलियाँ आपको मैं दिखाती हूँ कि कहाँ तक इसकी जो ब्रांचेस हैं ऊपर पहुँच गई हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी ग्रोथ जो है इसकी ऊपर तक जा रही है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। ऊपर देख सकते हैं आप कितनी सारी इसमें कलियाँ जो हैं बनी हुई हैं, अगर आपको शो हो रहा हो तो। आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा फर्टिलाइज़र जो है अपने इस प्लांट में देती हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कृष्ण कमल का प्लांट कम केयर में चलने वाला प्लांट होता है, तो मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ वो ये है कि मैं अपने जो किचन से निकलता है फर्टिलाइज़र, जैसे दाल चावल का पानी है या प्याज के छिलके भिगो देती हूँ, तो उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वह अपने प्लांट्स में देती हूँ। और कभी जो चने वगैरह भिगोते हैं उसका जो वाटर निकलता है उसको फेंकती नहीं हूँ, तो वही सब जो फर्टिलाइज़र होते हैं वही अपने इस प्लांट में मैं रोज़ देती हूँ, क्योंकि यह सेमी शेड में रखा हुआ है, कम धूप में चलने वाला यह प्लांट है। और इसको मैं बारिश में भी नहीं रख सकती थी क्योंकि यह एक बेल वाला प्लांट है, तो इसको तो बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते हैं इधर से उधर, तो यह एक ही जगह पर लगा हुआ है, तो इसमें बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पहुँचा है। और इसमें मैं केवल किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र जो निकलता है वही यूज़ करती हूँ, उसी से कितनी सारी फ्लावरिंग जो है रोज ही कर रहा है। तो आप जो किचन से वेस्ट निकलता है जैसे दाल चावल का पानी है या प्याज का फर्टिलाइज़र है या फिर चने वगैरह भिगोते हैं हम लोग, तो उसका फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। और कितनी अच्छी ग्रोथ जो है इस प्लांट की हो रही है आप देख सकते हैं, तो 3 मंथ में इस प्लांट की इतनी ज़्यादा ग्रोथ जो है हो गई है। और मैंने इसको उसी प्लांटर में लगा रखा है, या 10 इंच के प्लांटर में ही लगा हुआ है, इसको मैं रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि यह उसी में इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो अब आगे देखूँगी, अगर इसको ज़रूरत होगी तो फिर मैं रिपोर्ट करूँगी, वरना ये इसी में लगा रहेगा। तो आप ज़रूर कृष्ण कमल के प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करिए, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। और सबसे अच्छी बात है कि इसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप ज़रूर अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड करिए। आई होप कि मेरी बताई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिएगा, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं अगले टॉपिक पर नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।